चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है 30 न्यूज की मुख्य खबरें। दीपावली के पावन पर्व पर पूरा देश जगमगा उठा। हर किसी ने अपने अपने तरीके से दिए जलाए तथा दीपोत्सव का पर्व मनाया। ब्रह्मकुमारी संस्थान में भी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया गया। अमावस की घोर अंधेरी रात में असंख्य दीप जलाकर उजाले का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास सदियों से चला आया है और यह प्रयास इसलिए किया जाता है कहीं भी कोने में भी कोई अंधेरा न रह जाए। इसके बारे में तरह तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे विजय की खुशी में, वहाँ के लोगों ने दीप जलाए थे, जिसकी परम्परा है। दूसरी परम्परा यह भी है कि इस दिन लक्ष्मी का घर में वास होता है और लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, जागरण किया जाता है, ताकि लक्ष्मी इस दिन घर में बस जाएं। इन्हीं संदर्भों के साथ देश और विदेश में मनाए जाने दीपावली का पर्व खास है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी माउंट आबू से लेकर देश भर के कई हिस्सों में दीपावली के दीपक जगमगाए, लेकिन यह दीपक अज्ञान को मिटाने और ज्ञान प्रकाश लाने के लिए थे। हजारों लाखों संस्था से जुड़े लोगों ने इसी संकल्पों के साथ दीपावली मनाई कि इस दुनिया से अज्ञान अंधेरा मिट जाए और ज्ञान की रोशनी आ जाए, जिससे नए समाज की स्थापना हो। रंग बिरंगी रोशनी में नहाती है परिसर, चाहे माउंट आबू का ज्ञान सरोवर हो, पांडव भवन हो या शांतिवन हो, सब अपने आप में एक संदेश दे रहा था। और देश और दुनिया से जो सैलानी आए थे, जो विदेशी थे, उन्होंने भी भारत को सीख दी कि इन्हीं संकल्पों के साथ दिवाली मनाई जाए कि अज्ञान अंधकार इस दुनिया से मिट जाए। इसी सिलसिले में संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो के सदस्यों ने भी दीपावली धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर गॉडलीवुड स्टूडियो को बाकायदा रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठा था। जगमगाती रोशनी में गॉडलीवुड स्टूडियो के सदस्यों ने इस मकसद से दिवाली मनाई कि यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा देश और दुनिया में फैले अज्ञान अंधकार को मिटाने का प्रयास करेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरे देश भर में दिवाली मना रही है और इसके एक उद्देश्य है। ऐसी मान्यता है कि यदि मन में उजाला हो, अज्ञान अंधकार मिटाना हो, तभी आदमी की जिंदगी में पूरी रोशनी आ सकती है। देश विदेश से आए मेहमानों ने जिस तरीके से भारतीय गानों पर थिरके
वाकई देखने योग्य था। उनका साफ संदेश था कि भगवान भारत में आते हैं और उनके आने पर ही अज्ञानता दूर होती है, और यही दिवाली पर्व का संदेश है। बीके कोमल, पीस ऑफ माइंड चैनल, माउंट आबू। सभा में बैठे हैं वो बड़े खुश नसीब भी है, खुश निमा भी। बाबा ने वरदान दिया था कि दिल्ली सारे विश्व को संदेश देंगी और विश्व की आत्माओं को जगा करके इसी दिल्ली में फिर राज करेंगे, हमारी राजधानी। परमात्मा पिता आकर के कोई इस तरह के दीपक नहीं जलाते, आत्माओं के दीपक जलाते हैं, और एक ही परमात्मा बाकी दीपकों को जलाता है। फिर जले हुए दीपक दूसरे को हेल्प करते हैं कि चलो इस पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको जला दो। Thank you.
इस वर्ष आध्यात्मिक रहस्यों के साथ सादगी पूर्ण दीपावली का पर्व मनाया गया। दीपों से जगमगाते परिसर में शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप समेत कई लोगों ने आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाने का आह्वान किया। ब्रह्मकुमारी संस्थान जयपुर के वैशाली नगर में हर्षोल्लास से दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों के साथ गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर अज्ञान अंधकार मिटाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जयपुर संतोष प्रभारी बी के शर्मा, वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के चंद्रकला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ दीपावली मनाने की अपील की। मुंबई मलाड के लिबर्टी गार्डन में दीपावली के अवसर पर मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी दिलीप कुंडी समेत कई गणमान्य लोग शरीक हुए तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक रहस्यों के साथ दीपावली मनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। रांची सेवा केंद्र पर भी दीपावली के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय कोयला प्रबंध संस्थान के एचआरडी के महाप्रबंधक एस सी को बागवानी अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक अरुण सिंह, समाज सेवी कमल सिंह, भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक विश्वनाथ सिंह, सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट ललित पनवल, सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाए। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम के साथ साथ ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा किए जा रहे विश्व परिवर्तन के कार्य की प्रशंसा की तथा राज्य सीखने की इच्छा जताई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला ने दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा सबको खुशी बांटकर सच्ची दीपावली मनाने की सलाह दी। एक ऐसी चीज है आत्मबल, अगर आत्मबल एक ऐसा बल है जो कोई किसी दे नहीं सकता, अपने आप आदमी को आत्मबल को बढ़ाना पड़ेगा और अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जो भी आत्मबल को बढ़ा सकता है। गुजरात राजकोट के सभी सेवा केंद्रों ने सामूहिक रूप से दीपावली का पर्व मनाया। इस कार्यक्रम में राजकोट सब्जन प्रभारी बी के भारती, सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजस्व का बी के अंजु समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दीपावली के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुरु के सभी सर्कल तथा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के WIRC के साथ मिलकर संयुक्त आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीए दिव्य मोदी ने कहा कि 2011 में मुख्यालय माउंट आबू की यादें हमेशा हमें अपनी ओर खींचती है जहाँ हम किसी को जाना चाहिए। कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BKED गिरीश ने जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व एवं उसके समावेश की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। जबलपुर के वंदन पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान ने दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में दीपोत्सव 2014 का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत कई कलाकृतियों के दीपों की क्राफ्ट प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी नेपियर टाउन के प्रभारी बी के भावना को भी आमंत्रित किया गया। बी के भावना ने दीपों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा दीपावली की आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए कहा कि जीवन में सद्गुणों के प्रकाश से ही सच्ची दीपावली होती है। कार्यक्रम में वंदन पुनर्वास एवं उत्तर प्रदेश में खेकरा सेवा केंद्र के 27 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर दीपोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कवि देवी सिंह कौशिक, डॉक्टर आसाराम यादव, सेवा केंद्र प्रभारी बी के बंदेव कौशिक, कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के बंदेव ने दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जानकारी दी और एक पात्र सभी को सरकारी से वार्षिक उत्सव दीपावली पर। पश्चिम बंगाल बहरामपुर के रघुनाथगंज में सेवा केंद्र प्रभारी बी के रमन और राजदूत शिक्षिका बी के प्रियंका ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात।
दानश्रेष्ठ वस्त्र दानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्कर्मों से मनुष्य की जीवन कैसे वैल्यूबल बनती है। आज सत्कर्म नहीं है तो आज देखिए मनुष्य कहाँ जा रहा है, कीर्ति कला की ओर जा रही है मनुष्य जीवन। इसलिए दुख, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ रहा है दुष्कर्मों के कारण। तो वो कर्म कैसे हमारे श्रेष्ठ बने, मनुष्य दृढ़ संकल्प करे कि हम मनुष्य आत्मा को सहयोग देंगे, सहानुभूति रखेंगे, रहम दिल बनेंगे। जो एनर्जी हम आज देंगे वही की वही एनर्जी हमारे घर आने वाली है। तो जो एनर्जी खुद को पसंद है वही देना है, ये नहीं सोचना उसने क्या दिया था। हमें जीवन में कौन सी गिफ्ट चाहिए, खुशी चाहिए, और क्या चाहिए, प्यार चाहिए। देते जाओ आज सबको, कितनी बार देना है, हर बार देना है, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। संकल्पों के दीप जलाए। इस अवसर पर बीके शिवानी ने कहा कि पति पत्नी के रिश्तों में आए तनाव का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। इसके साथ ही आपके संबंधों में आए मतभेदों को अध्यात्मिक ज्ञान द्वारा दूर करने की सलाह दी। हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर राजयोग अभ्यास द्वारा आपसी मतभेदों को दूर कर संबंधों को मधुर बनाने का संकल्प लिया। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र द्वारा RGSD कॉलेज में
मन के सशक्तिकरण विषय पर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड एयर फोर्स ऑफिसर बीके करण द्वारा ने विद्यार्थियों को राज्यों द्वारा मन को सशक्त करने पर प्रेरित किया तथा जीवन में सफलता पाने के लिए धार्मिक ज्ञान द्वारा मूल्यों को धारण करने की सलाह दी। विद्यार्थियों के मन आजकल अपने लक्ष्यों से भटक रहे हैं। अनेक प्रकार के गैजेट्स उन विद्यार्थियों के पास हैं, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, जो उनके लिए एक मन को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। इन सेमिनार्स में हम ये बता रहे हैं कि अपने मन को दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा कैसे एकाग्र किया जाए और अपने लक्ष्य की ओर कैसे लगाया जाए। सबको अचल बनाते दे दे तुम कहाँ चले। अचल उनमें से हैं जो जगजीत हैं, वो उनमें से हैं जिनके अंदर एक माँ थी, वो उनमें से हैं जिनके अंदर एक बहन थी। आज भी सारा कुछ याद होते हुए भी कि किस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए हैं, जैसे ही मैं आश्रम में आई ऐसे लगा कि मुझे अचल दीदी अपने रूम में जरूर मिलेंगी। ऐसा आकर्षण था कि उनको वही जगह देखूं जहाँ वो हमेशा मिलती थी। अचल दीदी जी असीम करुणा की मूर्ति थी। चंडीगढ़ के इस इलाके में तो पूरा में उनका एक माहौल बदलने का बहुत बड़ा योगदान उनका था और जिन जिन से भी उनका वास्ता पड़ा वो हमेशा उनके प्रति, उनकी याद के प्रति ऐसे ही ऋणी रहेगा। हमें आज के दिन हमारे श्रद्धा सुमन यही है कि जो नक्शे कदम पर जो वो चले उनके नक्शे कदम पर आगे आगे बढ़े, अपने जीवन के अंदर बार बार देखते रहें। हमारी यात्रा है, यात्रा के में माइलस्टोन होते हैं, हम सदा अपनी प्रोग्रेस को देखें। हमारे अंदर दिव्यता कितनी आई है ये आज के दिन हम अपने आप को देखें। हरियाणा करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर मुख्यालय माउंट आबू के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री मोनिका पटेल, बीके दयाल, बीके सतीश समेत कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी ने शुभकामनाएं देते हुए राज्यों को जीवन में उतारने की सलाह दी। बाबा ने स्वयं मुझे साक्षात्कार करवा के जो मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया, जैसे कि ये मैं सारी चीजों से मैग्री हो गई थी, ज्ञान बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी जिंदगी के अंदर बाबा ने इतनी चमत्कार किए, इतनी साक्षात्कार करवाई। संस्कारों पर आधारित है और विश्व में केवल ब्रह्मा कुमारी संस्थान ही ऐसे संस्कार है जहाँ मनुष्य से देवता
मृतकों के लिए तनाव प्रबंधन और राजयोग के गहन अनुभव विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमेरिका के जॉर्जिया हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी अगस्ता के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान अग्रवाल ने अध्यात्मिकता द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखने तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए राज्यों के अभ्यास को उपयोगी बताया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज जबलपुर के पूर्व डीन डॉक्टर शशि खरे, मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग के अधिकारी डॉक्टर पुष्पा तिवारी समेत कई चिकित्सक उपस्थित थे। ऐसे ही युवाओं के लिए भी सफलता के गूढ़े रहस्य और तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन डॉक्टर चेतन अग्रवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हिमांशु खरे, सेवा केंद्र प्रभारी दीपी भावना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर चेतन ने युवाओं को आध्यात्मिकता अपनाकर अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने पर प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सेवा केंद्र द्वारा दयानंद कन्या इंटर कॉलेज में नैतिक शिक्षा से सशक्त नारी विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ में चिन्हट के शांति निकेतन इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को बुरी संगत से बचने के लिए अध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी डी के नंदनी ने भी बच्चों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही प्राचार्य कुमुद प्रसाद को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। एजुकेशन का अर्थ आई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिटी, सी फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टॉलरेंस, आई फॉर इंटीग्रिटी एकात्मता, ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक और एन फॉर नॉबिलिटी सज्जन। तो इन बातों को सीखना इसको कहेंगे एजुकेशन। छत्तीसगढ़ कोरबा के देवरा में केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान में नैतिकता और मूल्य शिक्षा विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र के बीके बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने मन की शांति के लिए प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। साथ ही कार्य प्रभाग में आगे सभी से आपसी मधुर संबंध बनाने पर जोर दिया। और मन में जब चैन नहीं है तो आप दल्लक के गद्दे पर भी सोएंगे तो चैन की नींद नहीं आएगी। हलवा पूरी भी खाएंगे तो वो सुकून नहीं मिलेगा। मन शांत है तो आप जमीन में भी सोएंगे तो गहरी नींद आ जाएगी। इस दौरान शारीरिक योग सिखाया गया तथा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में राजयोग अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति भी कराई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिसर सुंदर परिसर अभियान चलाया गया। सेवा केंद्र के सदस्यों के आसपास के कई क्षेत्रों में झाड़ू लगाकर लोगों को भारी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए सेवा केंद्र प्रभारी डीके संगीता ने संस्थान से जुड़े सदस्यों को शुभकामनाएं दी तथा नियमित रूप से इस अभियान को चलाने का दृढ़ संकल्प लिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है के साथ से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए।